हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आ चुका हूँ आपके लिए बॉक्स फुल ऑफ स्टेशनरी कलेक्शन का वीडियो लेके गाइस। और आज की वीडियो देखने में आपको 100% मजा आने वाला है, क्योंकि गाइस इस बॉक्स में डिफरेंट टाइप की स्टेशनरी आइटम और डिफरेंट टाइप की ज्योमेट्री बॉक्स। गाइस बिना स्किप करे पूरी वीडियो एंड तक देखना, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना आपको इस बॉक्स की सबसे अच्छी स्टेशनरी आइटम कौन सी लगी। गाइस वीडियो अच्छी लगे तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब कर रखा तो थैंक यू सो मच फैमिली की तरफ से। तो चलो फटाफट इस बॉक्स को खाली करते देखते इस बॉक्स में हमें किस तरह की स्टेशनरी आइटम मिलती है और क्या क्या चीजें मिलती है। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, इसके अंदर हमें ये क्या मिलता है, एक यूनिकॉर्न की दोस्तों स्टिक। और ये स्टिक नहीं है दोस्तों, ये है एक यूनिकॉर्न का हाइलाइटर। ये देख सकते हो, इस पे साफ साफ लिखा है हाइलाइटर। चलो देखते हैं कैसा हाइलाइटर और इसकी टिप कैसी है और कैसा चलता है ये हाइलाइटर। तो ढक्कन ओपन कर लेते हैं। ढक्कन ओपन किया तो ये देखो दोस्तों, इसकी टिप काफी अच्छी टिप है। चलाते हैं हाइलाइटर तो देखो दोस्तों कितना जबरदस्त और कितना अमेजिंग चल रहा है। और इसके ढक्कन में दोस्तों जो हमें यूनिकॉर्न का फेस मिला ना, ये काफी जबरदस्त और काफी अट्रैक्टिव बना रहा है इस हाइलाइटर को। चलो साइड ढकते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला दोस्तों, ये तो है एक डोम्स का एक शार्पनर, और ये इग्लू लुक में है दोस्तों शार्पनर। ये देख सकते हो काफी प्यारा लग रहा है, काफी सुंदर लग रहा है। यहाँ दोस्तों हमें होल मिलता है, यहाँ से पेंसिल डालेंगे फिर पेंसिल को शार्प करेंगे। शार्पनर की क्वालिटी दिखाता हूं, तो ये देखो दोस्तों शार्पनर की क्वालिटी कितनी जबरदस्त, कितनी अमेजिंग है। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों में इस बॉक्स में क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों ये क्या मिला, एक स्केटबोर्ड दोस्तों। अरे वाह, स्केटबोर्ड नहीं है दोस्तों, ये स्केट शूज है। ये तो काफी अच्छा लग रहा है, काफी जबरदस्त लग रहा है। और ये है एक इरेजर दोस्तों, देख सकते हो स्केट शूज वाला इरेजर मिल जाता है हमें इस बॉक्स के अंदर। काफी अच्छी क्वालिटी का दोस्तों शूज है और ये इरेजर भी काफी जबरदस्त है। चलो साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला, ये तो है एक यूनिकॉर्न का शार्पनर। अरे वाह, और नीचे देखो दोस्तों हमें क्या मिला, ये क्या है। तो इसे ओपन किया तो ये तो है बैटरी कंपार्टमेंट। इसमें दोस्तों हम अपनी बैटरी को डालेंगे, फिर ये शार्पनर ऑटोमेटिक हमारी पेंसिल को शार्प कर देगा। तो चलो इसे तो हम बाद में यूज करके देखेंगे। और देखते दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो ये तो मुझे काफी अच्छा लगा, ऑटोमेटिक शार्पनर मिल गया इस बॉक्स के अंदर। चलो साइड रखते हैं और क्या मिलता है इसके अंदर। तो इसके अंदर ये देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला दोस्तों, ये था एक सुपर रेसिंग कार दोस्तों। और व्हील देख सकते हो, व्हील घूम रहा है। और ये कार नहीं है दोस्तों, ये कुछ और लग रहा है, क्या लग रहा है चलो देखते हैं। तो ये बटन दबाते हैं, बटन दबाए तो ये पैन ओपन हो गया दोस्तों। और वाह, ये देख सकते हो टिप भी काफी अच्छी है, चला के देखते हैं पैन कैसा चलता है। तो ये देखो दोस्तों ये काफी अच्छा चल रहा है, काफी प्यारा चल रहा है दोस्तों, देख सकते हो काफी फास्ट भी चल रहा है। और ये लुक देख सकते हो कितना प्यारा लुक है इस पैन का, सुपर रेसिंग कार वाला पैन। आपको कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला दोस्तों, ये क्या है, एक आइसक्रीम लुक में क्या है दोस्तों। ये तो मुझे डायरी लग रही है, चलो फटाफट पन्नी से निकालता हूँ, दिखाता हूँ दोस्तों ये क्या चीज है। मैं भी देखता हूँ क्या चीज है, तो पन्नी से निकाल ली तो ये देखो, ये तो काफी जबरदस्त डायरी है। और इसके ऊपर देख सकते हो एक आइसक्रीम का डिजाइन बना है, और आइसक्रीम पे दोस्तों काफी सारे ग्लिटर चिपके हैं जो काफी अट्रैक्टिव बना रहे इस डायरी को। चलो पेजेस देखते कैसे पेजेस है, तो देख सकते हो पेजेस ऐसे है जैसे दोस्तों आइसक्रीम लुक में दोस्तों, देख सकते हो। और सारे पेजेस पे दोस्तों आइसक्रीम की फोटो छपी है दोस्तों, दूसरी साइड दोस्तों प्लेन पेजेस मिल जाते हैं। और यहां देखो दोस्तों सारे पेजेस को हटाने के बाद एक और डिफरेंट टाइप के पेजेस मिलते हैं, देख सकते हो ये भी काफी जबरदस्त है। और इसमें हमें काफी सारे पेजेस मिल जाते हैं, और इन सारे पेजेस का हटाते हैं तो दोस्तों नीचे दोस्तों हमें तीसरी तरह की यानी थर्ड तरह की दोस्तों हमें पेजेस मिल जाते हैं। और इनके साइज की बात करें, नीचे वाली डायरी काफी लंबी है, बीच वाली डायरी के पेजेस थोड़े छोटे हैं, और ऊपर वाली डायरी के थोड़े से और छोटे, यानी बढ़ते क्रम में दोस्तों ये डायरी है ये तो काफी जबरदस्त, और पेजेस भी काफी सारे मिल जाते हैं इस डायरी के अंदर। ये तो आइसक्रीम वाली डायरी काफी प्यारी है। आइसक्रीम वाली डायरी कैसी लगी दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मुझे तो काफी अच्छी लगी। सबसे अच्छी बात है 180 रोटेट भी हो जाएगी दोस्तों डायरी, जिससे काफी इजिली से हम इसमें वर्क कर सकते हैं, काफी अच्छी डायरी है। तो साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें एक मिलता है एक स्पाइडर मैन का, ये क्या है दोस्तों, ये तो है पॉपिट स्पिनर। अरे वाह, और दोस्तों पॉपिट स्पिनर नहीं है, कुछ और लग रहा है। तो ये देख सकते हो आगे ढक्कन है, ढक्कन को खोलते हैं तो देखो दोस्तों इसमें मिलता है हमें पेन, और पेन की टिप भी देख सकते हो कितनी अच्छी टिप है। चलाते हैं तो ये देख सकते हो जेल पेन है, काफी अच्छा भी चल रहा है। पीछे दोस्तों जो हमें
स्पिनर मिला ना, ये काफी अलग और डिफरेंट मिला है और काफी अच्छा टाइम पास भी कर सकते हैं और इसके अंदर हमें पोपिट भी मिल जाता है। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला दोस्तों, एक गाइस बीटीएस आर्मी का सूट केस, और वाह ये तो काफी जबरदस्त है। और कौन कौन है बीटीएस आर्मी दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, बीटीएस आर्मी हो तो कर देना वीडियो को लाइक। तो चलो दिखाता हूं ये सूट केस, देख सकते हो काफी प्यारा सूट केस है बीटीएस का। यहां देख सकते हो हमें एक होल दिखता है, इस होल को ओपन करते हैं तो ये देखो दोस्तों ये तो है एक शार्पनर कंपार्टमेंट। इस सूटकेस के अंदर हमें शार्पनर मिल जाता है दोस्तों। और यहां देखो दोस्तों एक और कंपार्टमेंट दिख रहा है तो इसे ओपन करते हैं तो ये तो है एक इरेजर कंपार्टमेंट, ये देख सकते हो इसके अंदर हमें इरेजर मिल गई काफी बड़ी सी। और इस बीटीएस आर्मी सूटकेस में हमें मिलता है एक शार्पनर कंपार्टमेंट, एक इरेजर कंपार्टमेंट, ये तो काफी अच्छा सूटकेस है दोस्तों। आपको ये सूटकेस कैसा लगा बीटीएस का प्लीज दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है एक यूनिकॉर्न की ज्योमेट्री बॉक्स, ये ज्योमेट्री बॉक्स भी काफी जबरदस्त लग रही है, ट्रांसपेरेंट ज्योमेट्री बॉक्स है। चलो ढक्कन ओपन करते देखते कितना स्पेस है ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर। तो फ्रंट वाले दोस्तों लॉक को ओपन किया तो यहां देखो दोस्तों एक कंपार्टमेंट है और इस कंपार्टमेंट में दो सेक्शन है और एक सेक्शन में दोस्तों हमें 1 2 3 4 5 5 पेंसिल लॉक मिल जाते हैं। एक छोटा सा सेक्शन है जिसमें गाइस हमें मार्कर मिल जाता है, ये देख सकते हो। चलो इसे बंद करते हैं, ढक्कन दोस्तों ट्रांसपेरेंट है और ये देख सकते हो यूनिकॉर्न की मैजिक ज्योमेट्री बॉक्स है। चलो दूसरे साइड वाले ढक्कन को ओपन करा तो ये देख सकते हो दूसरे साइड ढक्कन को ओपन करते कंपार्टमेंट है, काफी बड़ा स्पेस है और काफी गहरा स्पेस है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर। यहां देख सकते हो दो बटन है, दोनों बटन पे पुश लिखा है, दोनों बटन को पुश किया तो ये देखो दोस्तों यहां पे हमें मिलता है एक व्हाइट बोर्ड और एक साइड दोस्तों हमें मिलता है टाइम टेबल शेड्यूल दोस्तों, काफी जबरदस्त है। काफी गाइस हम अपना रफ वर्क कर सकते हैं और इस पे दोस्तों हम अपना पूरा क्लास का शेड्यूल लिख सकते हैं दोस्तों। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला दोस्तों, एक यूनिकॉर्न की स्टिक, और दोस्तों स्टिक नहीं ये तो पेंसिल है, और दोस्तों ये पेंसिल नहीं है ये तो है इरेजर, ये देख सकते हो, और यूनिकॉर्न की जबरदस्त, और इसके अंदर देखो दोस्तों रेनबो बने हैं, काफी अच्छी क्वालिटी की इरेजर है, काफी लंबी इरेजर है, पेंसिल लुक में इरेजर मिल गई काफी अच्छी क्वालिटी की दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में क्या मिलता है। मुझे तो सच बताऊं जो इसमें रेनबो बना ना ये काफी जबरदस्त लग रहा है इस इरेजर के अंदर। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों क्या मिलता है इसके अंदर। तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला, एक यूनिकॉर्न का मैनुअल सेट 5-in-1 वाला, जिसमें गाइस हमें देखो कितनी सारी चीजें मिलती है। चलो वन बाय वन आपको दिखाता हूं फिर आप मुझे कमेंट करके बताना आपको ये मैनुअल सेट कैसा लगा दोस्तों। तो निकाल लेते हैं तो सबसे पहले देखो दोस्तों इसके अंदर हमें क्या मिलता है, एक यूनिकॉर्न की सीजर, ये देख सकते हो सीजर की क्वालिटी काफी अच्छी है, काफी प्यारी सीजर मिल जाता है। चलो कुछ काट के देखते हैं कटता या नहीं कटता, तो क्या काटे चलो इस पन्नी को काट के देखते हैं। तो ये देखो दोस्तों ये पन्नी को कितने अच्छे से काट दिया, ये देख सकते हो काफी अच्छे से हमारी पन्नी को काट दिया सीजर ने, काफी अच्छी क्वालिटी के दोस्तों सीजर मिल जाता है इसके अंदर। और क्या मिलता है इसके अंदर, तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें मिलता है एक स्टेपलर, ये देख सकते हो काफी अच्छा स्टेपलर मिल जाता है, छोटा सा स्टेपलर मिलता है ये देख सकते हो। चलो साइड रखते और क्या मिलता है इसके अंदर, तो इसके अंदर दोस्तों हमें मिलता है एक यूनिकॉर्न का ये छोटा सा बॉक्स, और इस बॉक्स में देखते हैं क्या मिलता है। तो इस बॉक्स के अंदर दोस्तों हमें मिलेंगे स्टेपलर्स, ये देख सकते हो यानी पिन मिल जाएंगी। कैसे पिन मिलते हैं तो ये देखो दोस्तों पिन भी काफी छोटे छोटे पिन मिल जाते हैं, टोटल दोस्तों इसके अंदर हमें 500 पीसेस मिलेंगे पिन के। चलो साइड रखते और क्या मिलता है इसके अंदर, तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें क्या मिला, ये क्या है एक मिनी करेक्शन टेप, अरे वाह करेक्शन टेप नहीं है दोस्तों ये टेप है दोस्तों, टेप वाली मशीन है। और एक और हमें यूनिकॉर्न की दोस्तों टेप रील मिल जाती है, इसे दोस्तों इसके अंदर लगा लेंगे फिर ये टेप कटर बन जाएगा दोस्तों। ये तो काफी जबरदस्त सा टेप कटर भी मिल गया इसके अंदर, और दोस्तों हमें टेप भी मिल गई यूनिकॉर्न की, ये तो काफी अच्छा सेट है, काफी प्यारा है दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और क्या मिलता है, तो इस सेट में ये सारी चीजें मिली थी। सच बताओ मुझे तो ये सीजर बहुत ज्यादा अच्छा लगा, आपको इस सेट में सबसे अच्छा क्या लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है, तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है एक यूनियंस का स्टेशनरी सेट, ये देख सकते हो काफी अच्छा सेट है। और इस सेट में देखो दोस्तों हमें काफी चीज मिल जाती है, और काफी छोटा सा स्टेशनरी सेट है, और इसमें एक हैंडल मिल जाता है जिससे काफी इजी से कैरी करके चल सकते हैं, और पीछे देख सकते हो मिनियंस की कितनी बड़ी पिक्चर मिल जाती है। चलो इस स्टेशनरी किट को खोलते हैं और देखते हैं इस स्टेशनरी सेट में हमें कितनी चीज मिलती है और क्या क्या चीज मिलती है और कौन सी चीज सबसे अच्छी मिलती है दोस्तों। तो फटाफट निकाल लेते हैं बॉक्स से इन सारी चीजों को दोस्तों अच्छे से, तो पहले खोल लेते हैं इस बॉक्स को और निकालते हैं ट्रे, ट्रे खींच लिया और इसके अंदर देखो दोस्तों सबसे पहले तो क्या मिले इसके अंदर, इसके अंदर मिलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12 सेट्स के दोस्तों स्केच पेन और 12 सेट्स के स्केच पेन हमें किसी भी स्टेशनरी सेट में नहीं मिलता। चलो एक स्केच पेन को उठाते हैं, देखते हैं कैसा चलता है। तो ग्रीन पेन उठा लिया और इसके ऊपर मिनियंस की फोटो छपी है दोस्तों। तो ढक्कन ओपन करते हैं, ढक्कन ओपन कर रहा है तो टिप देख सकते हो, काफी अच्छी टिप है। चलाते हैं दोस्तों, तो ये देखो दोस्तों कितना लाइट चल रहा है, काफी अच्छा चल रहा है दोस्तों स्केच पेन। चल साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इसके अंदर क्या मिलता है। तो इसके अंदर ये देखो दोस्तों हमें क्या मिला, एक 15 सेंटीमीटर का रूलर मिनियंस का, और ये देख सकते हो और काफी फ्लेक्सीबल रूलर है, ये देख सकते हो काफी अच्छा रूलर मिल गया। और क्या मिलता है इसके अंदर, येलो कलर का दोस्तों हमें मिल जाता है शार्पनर, क्योंकि मिनियंस का कलर येलो होता है इसीलिए दोस्तों येलो कलर का हमें शार्पनर मिल गया। इसके अंदर एक इरेजर मिल जाती है, ये देख सकते हो मिनियंस की। और क्या मिलता है तो दो दो दोस्तों हमें पेंसिल मिल जाती है, ये देख सकते हो दोनों पेंसिल के ऊपर मिनियंस की फोटो छपी है। साइज की बात करें साइज भी काफी अच्छा है पेंसिल का। और क्या मिलता है इसके अंदर, तो इसके अंदर दोस्तों हमें मिलते हैं एक डायरी या नोटबुक मिनियंस की। चलो देखते हैं, तो ये तो है दोस्तों एक ड्रॉइंग बुक, और वाह ये देख सकते हो काफी सारे पिक्चर्स मिल जाते हैं और काफी सारे पेजेस हैं जिसमें गाइस हम अपना कलर करके टाइम पास करेंगे। ड्राइंग बुक मिल गई काफी अच्छी सी दोस्तों मिनियंस की। और क्या मिलता है तो इस स्टेशनरी सेट में तो दोस्तों मुझे स्केच मार्कर और ये ड्राइंग बुक बहुत ज्यादा अच्छी लगी। आपको क्या लगा अच्छा प्लीज दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें कार वाली ज्योमेट्री बॉक्स मिलती है, और इस कार की ज्योमेट्री बॉक्स में देख सकते हो सनरूफ में वाटर भरा जो सीक्वेंस से भरा हुआ है पूरा, जो काफी अट्रैक्टिव बना रहा है ज्योमेट्री बॉक्स को। नीचे दोस्तों हमें व्हील मिल जाते हैं जिससे हम टाइम पास कर सकते हैं। चलो ढक्कन ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है। तो ढक्कन ओपन किया तो यहाँ देख सकते हो ट्रे है, ट्रे पे दोस्तों हमें मिल जाता है एक टेबल देखने को। इसे साइड रखते हैं तो नीचे कंपार्टमेंट, इस कंपार्टमेंट की गहराई काफी अच्छी है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा इस कार वाली ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों ये क्या है, ये तो है एक स्पेस ट्रेवल का एक बॉक्स दोस्तों, और इस बॉक्स के ऊपर दोस्तों थर्माकोल बॉल्स भरे हुए हैं जो काफी अट्रैक्टिव बना रहे हैं। इसमें दो दो हैंडल मिल जाते हैं जिससे काफी इजी से कैरी करके चल सकते हैं। और यहाँ देखो दोस्तों हमें एक होल मिलता है, और ये तो है एक पिगी बैंक दोस्तों, यो हो वाओ ये देख सकते हो। और इसके अंदर दोस्तों हमें ताला मिल जाता है फ्री में, इस ताले को दोस्तों हम इस ढक्कन में लगा देंगे फिर हमारा पिगी बैंक कोई भी नहीं खोल सकता, ना ही कोई मनी चुरा सकता। यहाँ से दोस्तों हम मनी को डालेंगे, गहराई काफी अच्छी और काफी सारा हमारा मनी आ जाएगा इस बॉक्स के अंदर दोस्तों। ये तो है दोस्तों पीजी बैंक और स्काई ट्रेवल की वो भी। चलो साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलते हैं एक बारहवीं की ज्योमेट्री बॉक्स, और इस बारहवीं की ज्योमेट्री बॉक्स में हमें दोस्तों ये देखो दो एक शार्पनर कंपार्टमेंट मिलता है बाहर, ये देख सकते हो, और एक कॉर्ड लॉक है, इस लॉक को भी खींचा तो ये है एक इरेजर कंपार्टमेंट, ये भी काफी जबरदस्त है। यहाँ देख सकते हो ढक्कन है, ढक्कन को ओपन किया तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें तो मिल जाता है टाइम टेबल का एक कार्ड मिल जाता है जिसपे हम अपना टाइम टेबल लिख के रख सकते हैं। बारहवीं का दोस्तों हमें रूलर मिल जाता है 15 सेंटीमीटर का, एक पेंसिल मिल जाती है, एक कंपार्टमेंट है, और इस कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें एक दो तीन तीन पेंसिल लॉक भी मिल जाता है, काफी अच्छी ज्योमेट्री बॉक्स है। चलो बंद करते हैं, पीछे वाले ढक्कन को ओपन करते हैं, पीछे वाले ढक्कन को ओपन किया तो यहाँ देखो दोस्तों एक कंपार्टमेंट, इस कंपार्टमेंट की गहराई काफी अच्छी है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों इस बारहवीं की ज्योमेट्री बॉक्स में। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला, हेयर, ये तो है दोस्तों एक हेयर क्लिप, और वाह चलो पन्नी से निकालते हैं और देखते हैं हेयर क्लिप कैसी है और क्वालिटी कैसी है। तो पीछे से दोस्तों इसकी टेप है, तो टेप को अच्छे से हटा लेते हैं पहले, फिर निकालते हैं हेयर क्लिप। और इस सबसे अच्छी बात है इन क्लिप में दोस्तों हमें फ्री में हेयर भी मिल जाते हैं, ये देखो दोस्तों, और वाह ये तो काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग है। हेयर देख सकते हो कितने कलरफुल है, और ये देख सकते हो हमें क्लिप में मिल जाते हैं बटरफ्लाई, ये देख सकते हो बटरफ्लाई मिल जाते हैं, और इस बटरफ्लाई पे सीक्वेंस लगे हुए हैं देख सकते हो, काफी जबरदस्त हेयर क्लिप है दोस्तों। तो आपको ये हेयर क्लिप कैसे लगे दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला, एक शूज देखो दोस्तों, शूज मिला, और दोस्तों ये फुटबॉल खेलने वाला शूज है, और दोस्तों इस शूज लुक में मिलता है हमें एक इरेजर, ये देख सकते हो ये तो है इरेजर शूज वाला, काफी सुंदर लग रहा है, काफी पीटी लग रहा है दोस्तों, काफी अच्छा व्हील लग रहा है। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है एक यूनिकॉर्न का ट्रांसपेरेंट पेंसिल पाउच दोस्तों, ट्रांसपेरेंट है, काफी ज्यादा साफ साफ पता चल जाएगा हमारे इस पाउच में क्या क्या अंदर रखा है। तो जिप को ओपन करते हैं तो देख सकते हो जिप है मेटल की, जिप को ओपन कर लिया दोस्तों अच्छे से, ये देख सकते हो अंदर का स्पेस काफी अच्छा है। यहाँ देख सकते हो हमें एक दो तीन चार चार पेंसिल लॉक मिल जाता है, इसे हटाते हैं तो पीछे गाइस हमें नेट वाला पॉकेट मिल जाता है, ये
ये देख सकते हो काफी अच्छा स्पेस है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। चल साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें एक मिला है पेंसिल बॉक्स दोस्तों। ये पेंसिल लुक में दोस्तों काफी जबरदस्त लग रहा है, प्लास्टिक का है। तो चलो ओपन करते देखते कितना स्पेस है। तो ओपन किया तो यहाँ देखो दोस्तों हमें मिलता है कैलकुलेटर और यहाँ मिलता है दोनों साइड व्हाइट बोर्ड दोस्तों, दो दो व्हाइट बोर्ड मिल जाते हैं। और इस ढक्कन को उठाने के लिए दोस्तों हमें यहाँ लॉक मिलता है, इस लॉक को पकड़ेंगे ढक्कन ओपन हो जाएगा। ढक्कन ओपन होते ही यहाँ देखो दोस्तों हमें इसके अंदर क्या मिला, ये क्या है। तो ये तो है दोस्तों एक मिरर, अच्छा दोस्तों एक काफी अच्छा मिरर मिल गया इसके अंदर। और ये देखो दोस्तों इसमें काफी अच्छा स्पेस है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा ज्योमेट्री बॉक्स में। यहाँ देख सकते हो हमें एक और लॉक मिलता है, इस लॉक को ओपन किया तो यहाँ देखो दोस्तों हमें एक कंपार्टमेंट और इस कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें कंघा मिल गया और ये देखो दोस्तों एक कपड़ा मिल गया जिससे हम अपनी ज्योमेट्री बॉक्स को साफ कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ क्या मिलता है दोस्तों, हमें एक होल मिलता है, इसमें देखते हैं क्या मिलता है। तो दोस्तों इसे घुमाया तो ये देखो दोस्तों हमें मिलता है इसके अंदर एक शार्पनर, ये देख सकते हो पेंसिल लुक में दोस्तों पेंसिल बॉक्स है दोस्तों, काफी अच्छी काफी प्यारी सी दोस्तों, ऐसा लग रहा है बिल्कुल रियल की पेंसिल है, बट दोस्तों ये पेंसिल बॉक्स है पेंसिल लुक में। चलो साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला, एक यूनिकॉर्न की जंबो ज्योमेट्री बॉक्स, जंबो ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है ये है मिनी जंबो ज्योमेट्री बॉक्स। और इसके पीछे देखो दोस्तों हमें काफी बड़ा व्हाइट बोर्ड भी मिल जाता है और इसके अंदर हमें मिलते हैं स्टेशनरी आइटम। कैसी स्टेशनरी आइटम मिलती है चलो देखते हैं। तो सबसे पहले ढक्कन ओपन किया तो ये देखो दोस्तों हमें इसके अंदर कितनी सारी चीजें मिली। सबसे पहले तो देखो दोस्तों एक ट्रांसपेरेंट शार्पनर मिल जाता है, देख सकते हो। और क्या मिलता है इसके अंदर, ये देखो दोस्तों हमें एक इरेजर मिल जाती है काफी अच्छी थी। और ये देखो दोस्तों हमें मिलता है ये एक स्केच मार्कर, ये देख सकते हो स्केच मार्कर मिल जाता है। और इसका ढक्कन ओपन किया तो ये देखो दोस्तों काफी अच्छा भी चल रहा है ये स्केच मार्कर। और ये क्या मिलता है इसके अंदर, इसके अंदर दोस्तों हमें मिलती है दो दो पेंसिल, ये देख सकते हो दो गोल वुडन पेंसिल है। दोनों पेंसिल के साइज की बात करें काफी अच्छा साइज है और दोनों पेंसिल के पीछे दोस्तों हमें इरेजर मिल जाती है दोस्तों। यहाँ देख सकते हो दोस्तों हमें 15 सेंटीमीटर का रूलर भी मिल जाता है इसके अंदर, ये देख सकते हो ट्रांसपेरेंट रूलर मिल गया। यहाँ देख सकते हो दोस्तों हमें ट्रे, ट्रे पे दोस्तों हमें टेबल देखने को मिल जाती है, स्पेस काफी अच्छा है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा इस ट्रे में। तो इस ट्रे को भी हटाते हैं तो नीचे एक और कंपार्टमेंट मिलता है, इस कंपार्टमेंट की गहराई काफी अच्छी है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों, काफी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है। चलो साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है कलर बल्ब दोस्तों, ये कलर बल्ब कैसे हैं दोस्तों चलो देखते हैं, फटाफट निकालते हैं और देखते हैं बल्ब कैसे हैं और कैसे चलते हैं। तो ये देख सकते हो काफी अच्छे बल्ब हैं और ये बल्ब वाले हाइलाइटर हैं दोस्तों, और ये तो काफी जबरदस्त लग रहे हैं, काफी प्यारे लग रहे हैं दोस्तों। एक बल्ब को चलाते हैं देखते हैं ये हाइलाइटर कैसा चलता है और कैसी टिप है। तो ढक्कन ओपन किया तो काफी जबरदस्त टिप है, ये बल्ब लुक में हाइलाइटर है, काफी प्यारे दोस्तों, काफी जबरदस्त लग रहा है। चलो साइड रखते हैं और क्या मिलता है इस बॉक्स के अंदर। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें क्या मिला, एक पाउच मिला और इस पाउच पे तो 3D लुक बना हुआ है, देख सकते हो काफी जबरदस्त है। इस पाउच को ओपन करा तो ये देखो दोस्तों इसमें काफी अच्छा स्पेस है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा, देख सकते हो काफी अच्छा पाउच है। क्वालिटी देख सकते हो काफी अच्छी है और काफी डिफरेंट क्वालिटी, ना प्लास्टिक है ना कागज है दोस्तों, काफी अच्छा पाउच है। चलो साइड रखते और क्या मिलता है इसके अंदर, इसके अंदर देखो दोस्तों हमें मिलते हैं 2B पेंसिल एंड स्टीकर सेट दोस्तों, ये तो काफी जबरदस्त है। चलो देखते हैं स्टीकर का सेट कैसा है और कैसी पेंसिल मिलती है। तो बॉक्स से निकालते हैं, तो बॉक्स से निकाला तो ये देखो दोस्तों इसके अंदर तो मिलती है हमें 5-5 पेंसिल और पांचों पेंसिल की क्वालिटी की बात करें तो काफी अच्छी क्वालिटी है दोस्तों, और ट्रायंगुलर पेंसिल है। और पांचों पेंसिल के पीछे दोस्तों हमें इरेजर मिल जाते हैं। अब स्टीकर की बात करते हैं तो स्टीकर में दोस्तों हमें कितने स्टीकर मिलते हैं, तो इसके अंदर हमें 1, 2, 3 तो स्ट्रिप मिलती है दोस्तों, इन स्ट्रिप के ऊपर स्टीकर चिपके हैं, ये देख सकते हो काफी सारे स्टीकर चिपके हैं, काफी प्यारा सेट है दोस्तों, काफी जबरदस्त है। और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो ये बॉक्स हो गया खाली, तो इस बॉक्स में आज हमें मिले एक से बढ़ के एक स्टेशनरी आइटम। आपको सबसे अच्छा स्टेशनरी आइटम कौन सा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो कर देना वीडियो को लाइक। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे कलेक्शन के साथ, अच्छे से अनबॉक्सिंग के साथ। जब तक बाय बाय दोस्तों।